हरदा जिले के तीनों विकास खंड अंतर्गत आने वाले तहसील मुख्यालय सहित बाजारों में खुले आम बिक रही खाद्य सामग्री के सेवन से आम जन अनेक बीमारियों को सीधा न्योता दे रहे हैं। ऐसे सामग्री का प्रयोग कर लोग डायरिया से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। लोगों की सेहत खराब वाली चीजें जगह जगह बेची जा रही है। इसके साथ ही खाद्य विभाग अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद छोले चावल, समोसा, पकौड़ी, पानीपुरी, चाट का निरीक्षण फूड लैब से किया गया, जिससे चटनी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गुपचुप का पानी, आलू मसाला, छोले टिक्किया, मीठी चटनी, इमली चटनी आदि के सैंपल लिए गए। दुकानों पर सभी मानक पाए गए। साफ सफाई का भी निर्देश दिए। खाद्य सामग्री को हमेशा ढकने के निर्देश दिए। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम? मैं आर के कामले, खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य औषधि प्रशासन से हूँ। आज शहर में विभिन्न चाट चौपाट वाली जो दुकानें होती है, खुलती है, और चाट संबंधित दुकानें, उनकी आज मोबाइल वैन जो आई हुई है हमारे यहाँ से, उसके द्वारा सैंपल लेकर चेक किए जा रहे हैं, और जनता को भी जागरूक किया जा रहा है, और मिलावट होने पर उस पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। कितनी दुकानों पर चालान किया है अभी फिलहाल? हम लोग ने सैंपल यहाँ से लिया है, काफ़ी शहरों में सात आठ प्रतिष्ठानों से, और अभी हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।